हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने सीखो ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और सीखो ऐप के सब्सक्रिप्शन को आपने ऑटो पे से लिंक कर रखा है, तो इसे आप जो है सीखो ऐप के सब्सक्रिप्शन को आप जो है ऑटो पे से कैसे हटा सकते हैं, कैसे कैंसिल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा सीखो ऐप है, ये आप मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, आपको अपना सीखो ऐप को ओपन करना है, ठीक है। अब देखिए, सीखो ऐप जैसे ही ओपन होता है ना, तो इसमें आपको सबसे ऊपर ये प्रोफाइल होती है, यहाँ पे प्रोफाइल पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब देखिए, एक पेज आएगा यहाँ पे आपका ये वाला, ठीक है। ये देखिए, मैं इसे टैप करूँगा तो ये पेज आएगा आपका। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ये ऑप्शन दिखेगा, थ्री डॉट पे टैप करना है, ठीक है। अब ये पेज आता है, इसमें देखिए आपको ये ऑप्शन मिलता है माई सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। माई सब्सक्रिप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब देखिए, जो आपका अभी जो करंट आपका एक्टिव चल रहा होगा ना सीखो ऐप का सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे एडिट सब्सक्रिप्शन ये ऑप्शन दे रखा है, एडिट सब्सक्रिप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस तरीके से पेज आएगा, इसमें आपको कैंसिल ऑटो पे का ऑप्शन है, कैंसिल ऑटो पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से नीचे पेज आएगा, इसमें आपको हाँ लिखा हुआ है या फिर ओके लिखा हुआ आ सकता है, तो इसे हाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो देखिए ऑटो पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो अपने सीखो ऐप के सब्सक्रिप्शन को आप जो है ना सीखो ऐप के सब्सक्रिप्शन को आप जो है कैंसिल कर सकते हैं अगर आपने ऑटो पे में लगा रखा है तो वीडियो अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फ़ोन में यूज़ करके देखिएगा, ठीक है ना।